हेलो दोस्तों, प्लिम्बर सर्विस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कंप्लेन आई है जो कि कंसीव सिस्टम की है, और यह कंसीव सिस्टम वाल हैंग कमोड रेगुलर बह रहा है पानी। तो इस कंप्लेन को आज हम सॉल्व करेंगे इस और इसमें बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये प्लेट को निकाल लेते हैं। प्लेट निकालने के लिए आप जब ऊपर अप करेंगे तो ये प्लेट निकल जाएगी। किसी कंपनी में साइड से अप करने पर निकलता है, किसी कंपनी में नीचे से ऊपर करने में निकलता है। तो ये कोरल कंपनी का था जिसको ऊपर उठाने पर ये प्लेट निकल जा रही थी। तो ये हमारा प्रॉब्लम इस कंप्लेन में इनलेट की थी जो कि रेगुलर पानी बह रहा था। दोस्तों, रेगुलर पानी बहने का मतलब है कि या तो आउटलेट खराब है या इनलेट। तो हमारा इसमें आउट इनलेट ज़्यादा ख़राब था, इसलिए इसको मैं बाहर निकाल लिया। और आउटलेट जो इसके अंदर का है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, पानी का कैल्शियम है, तो इसको भी हम अंदर से ही हारपी डालकर साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पानी को जो नेट कनेक्शन खोले थे जिससे पानी ये आ रहा था, इसको बंद कर लेते हैं। इसको बंद करने के लिए हम एक पेचकस की सहायता से, एक छोटा सा अंदर पेंच होता है, उस पेंच को जब टाइट करेंगे तो ये पानी बंद हो जाएगा। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये पानी बंद हो गया। अब हम इनलेट की प्रॉपर सर्विस कर लेते हैं। इनलेट का ये मेन वार्सल होता है जो कि पानी के कैल्शियम लगने से पानी को सही से रोक नहीं पा रहा था। तो अभी हम इसको अच्छे से सफाई करेंगे। पहले पानी को साफ करने के बाद जो मोटा हार कैल्शियम है पानी का, उस पर थोड़ा सा हार्पिक डाल देंगे। जब हार्पिक डाल देंगे तो ये हार्पिक डालने से ये इसका जो भी पानी का कैल्शियम है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जब भी अगर आप इनलेट या कंसीव सिस्टम या वन पीस के सर्विस करिए तब ये हार्पिक का यूज करिए करिए। नहीं तो अगर आप कभी सोचेंगे कि इसमें बहुत मोटा पानी का कैल्शियम है, आप एसिड डाल दें जल्दी से साफ़ हो जाए, तो दोस्तों आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप एसिड डालेंगे तो इसकी जो प्लास्टिक है वो कमज़ोर हो जाएगी और टूटने लगेगी। तो दोस्तों, जब भी आप सर्विस करें तो हार्पिक से ही सर्विस करें, या तो निरमा पाउडर ले लें तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इनलेट का जो वार्सल और रिंग जो भी स्पेयर पार्ट थे वो प्रॉपर क्लीन हो चुके हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर एक बार बाहर ही चेक करेंगे कि लीकेज सही हो गया कि नहीं। तो ये हमारा इनलेट जो है इसको हम एक बार बाहर चेक कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पानी आ रहा है, वाल्व उठाने के बाद ये पानी बंद हो जा रहा है। तो अभी हमारा इनलेट काम करने लगा है। तो अब हम इसको अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद भी दोस्तों हम इन कमोड को एक से दो बार जरूर चेक करते हैं कि कोई प्रॉब लीकेज तो नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम इसको खोले थे उसी प्रकार से अब इसको हम टाइट करेंगे। पहले प्लेट की कवर जो होती है उसको टाइट कर लेंगे, फिर प्लेट को हम एयर पंप लगा के, ये एयर पंप है, इसको लगाने के बाद हम ये पंप होता है पेट में भी लगा होता है, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। जिस प्रकार से खोले थे उसी प्रकार हमको इंस्टॉल करना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉल कर दिए हैं। अब दोस्तों हम इसको फ्लश करके एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वाल हैंग के अंदर जो लाइनिंग पड़ी हुई थी पानी की पुरानी बहते बहते, उसको भी प्रॉपर क्लीन करा दिया गया है। अभी हम फ्लश करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह प्रॉपर वर्क कर रहा है और पानी बंद भी हो रहा है। तो ये हमारा कंसीव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, जब भी आप काम करिए तो एक दो बार फ्लश करके चेक जरूर कर लीजिए जाने से पहले। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में हमसे कुछ छूट रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो भी छूट रहा है हमसे वो हमको बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
वो दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार से हमारा कंसिस्टेंट का पानी मार दे लीकेज बंद हो गया है और हमारा कंसिस्टेंट कंप्लीट हो गया है।